अब तक आपने देखा, मैं ना यूँ बोल रही थी कि आज क्यों ना आप और मैं दोनों बकरियावाल चले जाएं माँ से मिले। अरे मैं भी यही सोच रहा था। अरे कितने दिन हो गए, ना तू माँ से मिली है और ना मैं। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि आज मेडिकल फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है। हाँ है, के साथ हूँ। एक काम कर, फटाफट कर। आप नया की करने वाले हो? आज मैं बड़ों के खिलाफ मुकदमा लड़ूंगी और उस मुकदमे का फैसला करेंगे राणा के बापू। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। पंचर, अगर मैं टेम से घर पे नहीं पहुंची ना तो ताई जी बहुत गुस्सा हो जाएगी मेरे पे। अब आगे फिर क्या करे? मैं कुछ करता हूँ बड़ो। अरे माँ जी, यो बाइक किसकी से? अरे यो तो ये प्रकाश यार है, वैसे ना उसकी से। काम के लिए बाहर गया से चाबी मारे को दे गया, बोलता ये भी आता सु। माँ जी, इसकी चाबी आप मने दे देंगे, मैं कल उठा दूंगा। हाँ हाँ ठीक से, मैं इबी लाती सु। और इसका क्या करेंगे लक्की जी? कल ड्राइवर ले जाएगा। यो आई, धन्यवाद। तू जहां मैं वहां, संग संग यूं चलो तेरे जैसे तेरा आसमान। जो धूप निकले छाया बन जाऊंगा, जो हो तो अकेली साया बन जाऊंगा, जो उलझन में हो मन मैं बहलाऊं। घर तो आ गया, थोड़ी देर में स्पोर्ट्स वाले अधिकारी भी आ जाएंगे लक्की जी का मेडिकल सर्टिफिकेट लेने। कुछ भी करके लक्की जी को घर से हटाना ही होगा, पर की से हटाऊं? और कमला ताई जी ने भी न जाने के काम देने वाली से मन ने। हे भगवान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लक्की जी, आप ना अंदर जाके आराम करो, दिन भर बाहर थे, आप थक गए होंगे। और अगर आराम नहीं मिला तो चोट में और दर्द भी बढ़ जाएगा ना, तो आप अंदर जाके सो जाओ, मैं खिड़की दरवाजा सब बंद करती हूँ, कोई आपने डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो आप अंदर। हम जा, पहले चल के ना ताई जी से मिलना, से उनसे पूछना से कि वो किस बात पे इतना चिल्ला रही थी। वो कुछ नहीं, वो ना मैं
छत से लाल मिर्च लाना भूल गई होगी इसलिए मन्ने डांटेगी और कुछ नहीं। तुमने यकीन से की हुई बात से? हाँ। ठीक है। अच्छा सुन, मन्ने तेरी एक परमिशन चाहिए। परमिशन? किसी परमिशन लगी जी? वो कहना कि मन्ने अपने दोस्त को मिलने जाना था एक जरूरी काम से, अगर तू परमिशन देगी तो यूं जाऊंगा और यूं वापस आ जाऊंगा। अरे बिल्कुल लकी जी, इसमें परमिशन वाली की बात, आप जाओ अपने दोस्त से मिलो आराम से, और देर भी होगी तो कोई टेंशन ना से। आप यू मोटरसाइकिल पे नहीं जाना, गाड़ी में जाना। ठीक से बोलो। मैंने चाबी दे दो। ठीक से बोलो, जैसा तू बोले। अरे कोमल, लखा कहाँ है? अरे को उसकी घनी फिकर हो रही है। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता ना करो, लकी जी ना दिन भर मेरे ही साथ थे, इब्बी भी अपने दोस्त से कुछ जरूरी काम से मिलने गए हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, जब तक वो आएंगे देर हो जाएगी और वो मेडिकल सर्टिफिकेट का वक्त भी खत्म हो जाएगा। वो आए बड़ो, आए बड़ो, कितना रह गई थी तू, कितना टाइम लगा दिया था ना आने में। उसकी वजह थी बड़ो पे मुकदमा चला दिया बार पंचायत बचिया। मुकदमा? चल अरे मैं तो कहूँ देवर जी तब भी आ जाओ, आ जाओ। इस गांव का अपराधी यो खड़ा सारे सबके सामने। भाई सारे पंचों को मारा प्रणाम। ये कोमल बेटा के साथ जो कुछ हुआ है उस वजह से उस पे मुकदमा चलाया जा रहा है, ये बात हमारे समझ के बाहर से। और मैं पंचों से ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मुकदमा चढ़ाया किसने है। मना करे है देवर जी, और इसका मतलब आपको समझ में आएगा भी नहीं रघुवीर सिंह जी, क्योंकि इसकी पहल तो आपने ही की से। अगर जो बड़ो बहू अखाड़े में उतरकर जो बेशर्मी भरी कुश्ती ना लड़ती तो हमारे समाज को यो शर्मिंदा ना होना पड़ता। जो बड़ो बहू ने हमारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया से, और जिसकी वजह से हमारे खानदान का बट्टा लाग रहा है उसके खिलाफ मुकदमा चलाना गणा जरूरी से। और इस मुकदमे पे इंसाफ मैं अकेली कोन्या, पूरा अलहवत खानदान यो समाज सब चावे है। पर मने पूरी उम्मीद से के सरपंच श्री कैलाश सिंह अलहवत जी मने इंसाफ दिलवावेंगे। और मैं न्यू चाहूं हूं कि सरपंच जी बिना पक्षपात के दलीलें सुने और अपना फैसला सुनाए। और जो फैसला इसलिए भी जरूरी से क्योंकि हम ना चाहे से हमारे गांव की छोरियां बहु बेटियां जो बड़ू बहु के अश्लील बेशर्मी भरी कुश्ती को प्रतीक मान के उससे प्रेरित होके अखाड़े में उतरे और अपने कपड़े फटवा के सब लोगों के सामने अपने शरीर का प्रदर्शन करे, नुमाइंदगी करे। लखन, मैंने माफ कर यार, मैं धारा मेडिकल सर्टिफिकेट ना बना सकता, मैं ये झूठ नहीं लिख सकता कि तू पूरी तरह से फिट है। संदीप तू ये कैसी बात कर रहा है? तू जानता से ना कि जब तू मन्ने मेडिकल सर्टिफिकेट देगा तो ही मैं अपने बाबूजी का सपना पूरा कर पाऊंगा। लखा चल मान ले,
बाबूजी के सपने का लिहाज करते हुए थारे कहने पे मैंने ये बोल दिया कि थारी चोट रिकवर कर रही से, पर यो सर्टिफिकेट तो गैर कानूनी से ना। नहीं भाई, इस मामले में ना ना मन नहीं पता क्या सही से क्या गलत से। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे 24 घंटे ना बस वो मछली की आंख की तरह अपने बाबूजी का सपना दिखाई दे रहा है, और वो तभी पूरा होगा जब तू मन ने वो मेडिकल सर्टिफिकेट देखा। भाई इस पे साइन कर, भरना इसे करना साइन ले। अरे करना भाई। लखमन ने माफ कर दे यार, मैं यो नहीं कर सकता। बस बाबी को समझा, उनको बोल कि जो कर रही है वो गलत से। रहने दो देवर जी, यो बोलती ना तो यो मुकदमा करने की जरूरत ही ना थी। यो तो अपना मुंह बंद करके तमाशा देखे। आपने सही कहा कमला बहन, मालती भाभी ने तो पिछली बार बड़ों को छोरियों के प्रतीक बनने से रोका था, लेकिन इस बार तो उन्होंने रोका ही ना। पर कोई बात ना, भले ही कोई आंख बंद करके बैठा हो पर मारी आंख खुली हुई थी। यो सबसे बड़ी बात से सरपंच जी, इस बगैर टाइम बर्बाद करे मैं अपनी बात बता दूं के कांडू या? रुक जा कमला, कुछ भी बताने की जरूरत ना सह, मारे को बेरा सह के हुआ है। के? तुमने बेरा है? हाँ, मोबाइल में सारे गांव वालों के पास में ये फोटो पहुंच गया है, सबने देख ली सह के हुआ सही। सरपंच साहब मना किए, कोमल बेटा की ये फोटो जो है ये फोन पे वायरल हो गई, लेकिन जैसा कि मैं 50 बार पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी छोटी मोटी घटना कुश्ती के अखाड़े में होती रहती है, और सरपंच साहब ये घटना मारे अखाड़े में हुई, इसमें किसी को भी मुकदमा चलाने का हक ना से। देवर जी, हर अखाड़ा कितने विदेश में कोन्या है तो इस गांव में ही ना, तो पंचायत का मामला तो होना जरूरी है ना। तुम्हारा दोस्त है संदीप, वही बचपन का, अगर यो काम तू ना करेगा तो कौन करेगा? मैं थारे आगे हाथ छोड़ता हूँ संदीप, मेरी बात मानो और साइन कर दो। लखा थारा दोस्त होने के संग संग मैं डॉक्टर भी हूँ। लखा तो अपने बाबूजी का सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, जिससे तू एक बेटा होने का फर्ज निभा सके। मन ने भी तो एक सच्चे डॉक्टर होने का फर्ज निभाने दे, सही काम को करने के लिए गलत रास्ता चुनना समझदारी ना हो वैसे। मन ने माफ कर दे दोस्त, मैं गैर कानूनी काम ना करूं। लखा हमारी बात मान, सच को स्वीकार कर और बाबूजी को सब कुछ साफ साफ बता दे। लखा बाबूजी कमजोर ना से कि सच का सामना ना कर सके। समझ तो तू नहीं रहा रणदीप, भैया चलो हमें चलना होगा। थोड़ा इंतजार कर वनीता, गाड़ी खराब हो गई से गैराज गई है, आ जाओगी तो चलेंगे। यो के बात हुई भैया, आपको पता था ना अगर मैं वहां सही वक्त पर ना पहुंची तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा रुक, कुछ करता हूँ। ठीक से कहाँ जाना तुझे? भैया मन ने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मार्केट जाना से। ठीक है तो फिर तुम एक काम करो, तुम दोनों को मैं छोड़ देता हूँ और फिर गाड़ी बाद में मंगवा लियो। काम जरूरी से तो अभी निकलते हैं, चलो चल। कैलाश सिंह जी, आपने अपनी परंपरागत सोच को आगे करके हम लोगों का समर्थन लिया से और चुनाव जीत के सरपंच भी बन गए, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी बड़ो बहू को जो कि आधुनिक विचारधारा की से
उसे अखाड़े में उतरने की अनुमति दी और जिसके कारण ही जो अश्लील कांड हुआ से गांव में और इसके वजह से ही आपके परिवार और सारे समाज को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी और बेइज्जती हुई सो अलग। मैं आपसे गुजारिश करे हूं कि आप अपनी बड़ो बहु आधुनिकता की प्रतीक से उसके कुश्ती पर प्रतिबंध लगाएं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपने परिवार के मान मर्यादा की रक्षा करें और जो समाज में आधुनिकता की जहर को फैलने ना दें। बात है लाखा, कुश्ती शुरू क्यों नहीं की? बाबूजी, ये भैया तो मारे से बड़े हैं, मने डर लग रहा है। मारी ये बात पल्ले बांध ले, अखाड़े के अंदर अगर प्रतिद्वंदी को देख करके डर गया ना तो जिंदगी के अखाड़े में कभी खड़ा ना रह पाएगा तू। प्रतिद्वंदी का कद चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मगर थारा हौसला बुलंद होना चाहिए, समझा कि नहीं? चीटी और हाथी की कहानी तो तूने सुने हो? इतनी सी जो चीटी होती है ना, इतने बड़े हाथी को ना ढाए। क्यों? क्योंकि चीटी का हौसला तगड़ा होता है। हिंदी में कहावत है बेटा, जो डर गया मर गया। धन्यवाद बाबूजी, मारा डर दूर करने के वास्ते। आज के बाद मैं किसी से भी ना डरने वाला। बाबूजी ने आज तक जो भी सिखाया से, उस सीख का सही मायने में आजमाने का वक्त आ गया से। कुछ भी हो जाए, मैं यो खड़ी मुसीबत का डट के मुकाबला करूंगा। संग्राम सिंह जी, मारे को लगता है कि आपने जो कुछ कहा ना, ये सब बकवास है। मैं आप सबको कई बार बता चुका हूं कि कुश्ती के अखाड़े में ऐसी घटनाएं होती हैं, और ये जो कुछ कोमल के साथ हुआ है, ये इसने जानबूझ के कोई अश्लील हरकत ना की है, बल्कि इसको कहा जाता है एन एक्सीडेंट इन स्पॉट, जो शायद आपकी समझ में ना आवेगी। संग्राम सिंह जी, संग्राम सिंह जी, इधर देखिए, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया आपने, क्यों आस्तीन ऊपर करके आ गए? अरे को तो आप जैसे इंसान की सोच पर भी ना शर्म आती, इतनी घटिया सोच। क्या कहती है आपकी सोच? कि एक लड़की को घूंघट में ढक के घर की चार दीवारी में बंद कर देना चाहिए, बस ये आपकी सोच। जाइए जाइए, ये बात जो आपने की ना, इसमें कोई दम ना से। तकबीर सिंह जी, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, छोरे और छोरियों में जमीन आसमान का फर्क होवे से। ये आसमान जमीन का फर्क आपके दिमाग में और कहीं नहीं है। एक छोरे और छोरी में रत्ती पर फर्क नहीं होता। सरपंच साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी बकवास बातें और बेसिर पैर की दलीलों पर आप ध्यान ना दें, और जितनी जल्दी हो सके एक बढ़िया सा फैसला सुना। देवर जी, हर केले की सफाई तो इस खानदान का कलंक हट जाएगा। सारा गांव मारे मुंह पे थू थू कर रहा है।
देवर जी आपको चाहे आप रोको, मैं भी चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कह रही हूँ, पर मारे साथ खड़ी इन आवाजों के आगे थारी आवाज तो दबनीत है, क्योंकि इब की बार मैंने हवा में बात को ना करी। पक्का सहयोग लेके आई हूँ।